हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साजिदा। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे। आज हम बिना झंझट के, बिना हाथ लगाए मिक्सर में आटा गूंदना सीखेंगे। सिर्फ 2 मिनट में ये प्रोसेस होता है दोस्तों। मिक्सर में बहुत ही आसानी से आप जो है आटा गूंद सकते हैं। हालांकि फूड प्रोसेस में काफ़ी लोग आटा गूंदते हैं, लेकिन हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है। मिक्सर तो सभी के पास होता है, तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। और इसके इस्तेमाल से 2 मिनट में सिर्फ आटा गूंद कर तैयार हो जाता है। आप सुबह कुछ भी बना रहे हो, नाश्ता बना रहे हो, पराठे बना रहे हो, तो बस आप झटपट से आटा गूंद लीजिए और फटाफट से बनाना शुरू करिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप मिक्सर के जार में किस तरह से आटा गूंद सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 कप आटा लिया है और 1 कप पानी लिया है। पानी थोड़ा सा कम है, इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना लेना है। तो यहाँ पे मैं आटे को मिक्सर जार में ऐड कर लेती हूँ, डाल देती हूँ, और थोड़ा सी मैं पानी डालूंगी दोस्तों। उससे पहले आप अगर इसमें नमक डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। और मैं यहाँ पे तेल ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। जितना भी आप अपना आटा जो गूंदना चाहते हैं वो हिसाब से ले लीजिए। और पानी भी आप ले लीजिए 1/2 कप से थोड़ा सी कम हम ऐड करेंगे पहले, बाद में हमें और पानी लगेगा, लेकिन आप देख लीजिए इतना ही पानी बचा हुआ है। तो हम इसे 30 सेकंड के लिए हम इसे मिक्सर जार में चलाएंगे, चन कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अगला प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 30 सेकंड के लिए चला लिया है, और अब इसको खोल के देखते हैं आटे का क्या हाल हुआ है। तो ये देखिए, अब ये क्रम्स टाइप का हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो आप। लेकिन अब ये पूरा गूंदा नहीं है क्योंकि हमने पानी को ऐड नहीं किया था। तो ये पानी हमने इसलिए ऐड किया था कि थोड़ा सा मिक्स हो जाए, और जो हमने तेल और नमक भी ऐड किया था वो भी हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे पानी डाल के 1 मिनट के लिए हम इसको गूंदेंगे, यानी कि हमारा टोटल 2 मिनट लगेगा। और आप पानी देख सकते हो कितना सी बचा है। तो अब हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है, अब हमें 1 मिनट के लिए इसको पीस लेना है, गूंद लेना है, सॉरी। तो चलिए गूंद लेते हैं इसमें, इसको ढककर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, 1 मिनट के लिए मैंने इसको गूंद लिया था, यानी कि मैंने 1 मिनट के लिए मिक्सी में चला लिया है। हमारा आटा गूंद के रेडी हुआ है या नहीं हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो आटा हमारा बिल्कुल भी रेडी हो गया है, गूंद गया है। ऐसा लग रहा है हमने इसको अपने हाथों से कई टाइम लगा के हमने गूंदा है। बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंद कर तैयार हुआ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने हाथों से कितना टाइम से इसको गूंद के रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, बस कुछ ही मिनटों में आपके सामने, बस 2 मिनट में आटा गूंद कर तैयार हुआ है। मैं इसको थोड़ा सी ऑयल लगा के वो करती हूँ, मसल लेती हूँ, ताकि एक अच्छी सी शेप प्रकार हो जाए। क्योंकि हमने आटा जो है मिक्सर में गूंदा है, मिक्सर के जार में। ये देखिए कितना सॉफ्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही मुलायम रोटी बनने वाली है। सुबह सुबह पराठे आप बनाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा। देख लीजिए, मैं बार बार प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा आटा गूंद कर तैयार हो गया। झटपट से आपको टाइम भी नहीं लगने वाला है। तो इसी तरह से गूंद लीजिए फटाफट से। बच्चों को टिफ़िन देती हैं या हस्बैंड को ऑफिस के लिए टिफ़िन देती हैं, तो फटाफट से इस ट्रिक के साथ आप आटा, कितनी भी क्वांटिटी है वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन इस तरह से आप कितना भी आटा गूंद सकती है दोस्तों। देखिए, मैंने इसको एक अच्छे से शेप दे रही हूँ ताकि हमारा आटा जो है एक साइड अच्छे से रहे। तो झटपट से आटा गूंद गया है। आप लोग को कैसा लगा ये टिप्स एंड ट्रिक्स, आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि देखिए मैं इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो लाती रहती हूँ। तो फिर से मिलूँगी एक अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ, न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको झटपट से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।